पास लाल किताब कुछ टाइप्स ऑफ कुंडली बोलती है कि भाई किस प्रकार, जैसे वैदिक में हम कहते हैं ना कि भाई कितने योग हैं, कैसे ये कौन सी कुंडली है, अरे ये तो काल सर्प दोष की कुंडली है, ये ऐसे जैसे जब हम वैदिक में बोलते हैं उसी तरीके से यहाँ पे कुछ चीजें बोली जाती हैं। पंडित जी ने लाल किताब में जो टाइप्स ऑफ कुंडली हमें दी है उसके कितने टाइप्स उन्होंने हमें दिए हैं, सात, सात प्रकार की उन्होंने कुंडलियां बताई हैं। अगर आप ये प्रकारों से ही कुंडली को जांचोगे तो आपको इमीडिएटली आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि भाई पहली जो हमारे पास टाइप आता है वो आता है धर्मी कुंडली। पहले आप टाइप्स ऑफ कुंडली लिख लें, सात प्रकार की जो कुंडलियां आती हैं उसको लिखें, पहली लिखें धर्मी कुंडली। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, उससे आपको आसान रहेगा। धर्मी कुंडली, दूसरी आती है आधी अंधी कुंडली, तीसरी आती है आधी अंधी कुंडली, चौथी आती है नाबालिग कुंडली, पांचवी आती है साथी ग्रह की कुंडली, छठी आती है कायम ग्रह, सातवीं आती है बिल मुकाम्बिल ग्रह। जनाजी जी पूछें। मैम अपने लास्ट हाउस प्रॉपर्टी में जुपिटर का घर में कौन बताया था, राहु केतु और ये शुक्र, राहु जी, राहु। राहु नीच का होता है वहां आपकी पे। आवाज बहुत कम आ रही है थोड़ा। चलें, तो जो सात प्रकार की कुंडलियां उन्होंने हमें बताई, धर्मी टेवा, धर्मी पंजाबी में हम कुंडली को टेवा कहते हैं, हमें टेवा ही, मैंने बचपन से सुना है और पंडित जी भी टेवा ही कहते थे। पहली जो कुंडली आती है यहाँ पे वो आती है धर्मी कुंडली या धर्मी टेवा, दूसरी आती है अंधी कुंडली, तीसरी आती है आधी अंधी कुंडली, चौथी आती है नाबालिग कुंडली, पांचवी आती है साथी ग्रह की कुंडली और छठी आती है कायम ग्रह की कुंडली, सातवीं आती है बिल मुकाम्बिल ग्रह की कुंडली। अब धर्मी टेवा क्या है कि भाई ये इंसान पीछे से अपने साथ धर्म को लगा के लाया है, यानी इसने कुछ, इसके ऊपर धर्म का ऋण है इसलिए इसको धर्मी टेवा मिला। और अंधी कुंडली क्या है कि भाई पिछले जन्म में कुछ आपके कर्म ऐसे रहे हैं जिससे आपको अंधी कुंडली नसीब हुई। अब वो क्या होती है वो हम आगे देखेंगे। आधी अंधी कुंडली जो है कि भाई आपने कुछ कर्म करते करते रोक दिया, मतलब कोई खराब कर्म करते करते पिछले जन्म में रोक दिया, उसलिए वो आपको आधा दोष लगा। नाबालिग कुंडली, नाबालिग कुंडली जो है कि भाई ये इंसान कभी भी मैच्योर ही नहीं होगा, मतलब इसमें बचपन रहेगा ही रहेगा। साथी ग्रह की कुंडली, यानी पीछे से आप जो है दो ग्रह ऐसे लेकर आ रहे हो जो एक दूसरे के साथी बन गए। कायम ग्रह की कुंडली, आपके पीछे के कर्म कुछ ऐसे रहे हैं जहां से आप ऐसा कोई एक प्लेनेट लेकर आ रहे हो जो आपके लिए बहुत बहुत अच्छे से लकी है, मतलब जिसको कोई तंग ही नहीं कर रहा कुंडली में। बिल मुकाम्बिल ग्रह, यानी आप दो बराबर के ग्रह लेकर आ रहे हो जो कि आपकी मतलब जो बराबर के ग्रह, यानी दो बराबर के ग्रह आमने सामने बैठे हैं तो वो एक दूसरे की बराबरी करेंगे, उसी में आप जूझते रहोगे। तो ये इस प्रकार से सात प्रकार की कुंडली होती है।